देर होगी तुम डांट सुन लेंगे ना, तो जाने दो ना आप। अरे यार चाइत किचको, चाइत किचको। ठीक है किचको यहाँ चल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो चलो भाई। चीते नहीं संतु जी, हम तो बस ऐसे ही कुछ बहुत अच्छा देख रहे थे। जो भी चीज तुम्हें तकलीफ, काउंटिंग काउंटिंग मैडम काउंटिंग, जो भी चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है ना बॉडी में उसे निकाल दो। हाँ नहीं मैडम, हम तो एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन है, हमको कुछ नहीं हुआ एकदम, कुछ तकलीफ। हाँ तो फिर सीधे खड़े रहो ना, क्यों ऐसे केकड़े की तरह इधर उधर घूम रहे हो। सॉरी मैडम। चीते करिश्मा मैडम कहाँ है? मेरे संदूक से निकली तो थी लेकिन अभी कहाँ है और क्या कर रही है कुछ नहीं पता है, हम लोग उन्हें खोज रहे हैं। हाँ लेकिन मिली नहीं रही, उनका दिमाग कब कैसे चलता है समझ में ही नहीं आता। इते, जो मैं देख रहा हूँ वो तू भी देख रहा है क्या? यार बिल्ले, ये स्थाना तो पूरा गैंग लेके चलता है। हमें तो करिश्मा मैडम की चिंता हो रही है, कहीं इन्होंने देख लिया ना तो सीधा गोली ही मार देंगे, और इन्हें पता है कि करिश्मा मैडम के मर्डर में उनको सजा नहीं हो सकती, कानून की नजर में तो वो पहले ही मर चुकी है ना। हम सबको तैयार रहना चाहिए, सबको तैयार रहना चाहिए। संतु जी अब इससे ज्यादा क्या तैयार होइएगा आप? मिशन जीते मिशन के लिए तैयार रहना होगा, करिश्मा मैडम को कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। हाँ मिशन। जय माता दी। चलिए चलिए संतु जी चलिए। बता नहीं सकता आप लोगों को देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। आज दशहरा है और आप लोगों के नए घर का भूमि पूजन भी। संतोष करिश्मा सिंह कहाँ है? गोल्डन टावर परिवार में आप सबका स्वागत है। माता के दर्शन का समय हो गया है, आइए माता के दर्शन करते हैं। करिश्मा मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, आखिर क्या करने वाली हैं वो? तो ये तुम हो, तुम्हें क्या लगा माँ दुर्गा का तुमने रूप ले लिया तो दुर्गा तुम्हारे अंदर आ जाएगी? दुर्गा माँ कहीं से आती नहीं है, दुर्गा माँ हर एक औरत में मौजूद होती है। जरूरत है तो तुम्हारे जैसे दुष्टों को उनको जगाने की, जो आज तुमने जगा दिया अस्ताना। हमें दिखता क्या है, मार उसको। अबे मार।
गया तू अस्थाना, तुम्हारी बहन गौरी भी एक औरत है, हम भी एक औरत है, और वो सभी औरतें भी एक औरत है जिनके साथ तूने छल किया। हम सभी औरतें होती हैं माँ का स्वरूप, हम ही लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती, हम ही काली और हम ही दुर्गा। धर्मियों के लिए शीतल जल और अधर्मियों के लिए प्रचंड ज्वाला, और आज हम सभी आए हैं तुम जैसे दुष्टों का नाश करने, संपूर्ण रूप से सर्वनाश करने, तुम्हारा अस्तित्व मिटाने। क्या लगता है इतने लोगों के सामने मुझे मार के तुम बच जाओगी? सब लोग गवाही देंगे तुम्हारे खिलाफ, सबको जेल हो जाएगी, फांसी होगी तुम सबको। किन्हें फांसी देने की बात कर रहे हो आप? ये तो पहले से ही मरी हुई है, इतना तो आप जानते हो ना कि आज अगर इनके हाथों आप मारे जाओगे तो दुनिया की कोई भी अदालत इन्हें सजा नहीं दे सकती है, क्योंकि मरे हुए लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। इनमें से कभी किसी औरत को इंसाफ नहीं मिला सिर्फ तुम्हारा वजह से, लेकिन आज ये सभी तुम्हारा इंसाफ जरूर करके रहेंगी, आज अभी और इसी वक्त। मुझे माफ कर दो, मैं कबूल करता हूं कि ये मेरी बहन गौरी है, ये अभी मरी नहीं, ये जिंदा है, ये सब जिंदा है, इन्हें भी मैंने मारा है कागजों पर, सिर्फ अपने फायदे के लिए, पैसे के लिए मैंने इन सब की जमीनें हड़प ली, लाखों करोड़ों कमाए हैं, इन सब के डेथ सर्टिफिकेट झूठे हैं। SHO करिश्मा सिंह, मैंने ही आपको सरकारी कागजों के झूठे जाल में फंसाया। आप जहां कहेंगी, जिस कोर्ट में कहेंगी, जिस कचहरी में कहेंगी, मैं आकर कबूली देने के लिए तैयार हूं। उसकी जरूरत नहीं है, पूरा लखनऊ देख रहा है लाइव टेलीकास्ट शूट। मुझे माफ कर दो, इधर नहीं उधर। गौरी मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, देख मैं तेरा बड़ा भाई हूं, मैं मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ गुनाह किया, लेकिन अभी मुझे मेरे किए का एहसास हो गया है, बस मुझे एक बार माफ कर दो। बहुत पुरानी कहावत है, जिस घर औरत का सम्मान और आदर नहीं होता उस घर देवता वास नहीं करते। अगर मान सम्मान करोगे औरतों का तो लक्ष्मी सरस्वती का रूप लेकर आपके घर संसार को खुशियों से भर देगी, लेकिन अगर निरादर करोगे ना तो दुर्गा बनकर भस्म भी कर देगी। सिर्फ मूर्तियों की पूजा करने से माँ खुश नहीं होती, माँ तो तब खुश होगी जब इस संसार की हर एक औरत को आदर और सम्मान मिलेगा, जब उस औरत में माँ का रूप देखा जाएगा, जब सच्चे मन से एक औरत को देवी का दर्जा दिया जाएगा, उस दिन माता खुश होगी, और यही माता की असली पूजा होगी, उनकी असली आराधना होगी। चीते गिरफ्तार करो इन्हें। चलिए बाबा ससुराल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, खास करके करिश्मा मैडम आपका, आपने हमारी पहचान हमें वापस दिलाई है, आपने हम सबको दोबारा जन्म दिया है। करिश्मा मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा शुक्रिया अदा मत करो, ये तो सब माता का प्रताप है, हम तो केवल एक माध्यम बने हैं। अगर आपको शुक्रिया अदा करना है तो आप माता का कीजिए, उनकी जय जयकार कीजिए। जय माता दी, जय माता दी।
आप जा रही है मैडम? सवाल नहीं, काउंटिंग काउंटिंग 1 2 3 4 5। जाना पड़ेगा, सरकारी आदेश है, एकेडमी से बुलावा आया है, और वैसे भी जहाज के पंछी को उड़कर वापस जहाज पे ही आना पड़ता है। हम भी एकेडमी से ज्यादा दूर नहीं रह सकते, सही मायने में हमारी जरूरत वहां ज्यादा है। अरे भाई, करिश्मा सिंह और हसीना मैडम जैसी दूसरी ऑफिसर्स को भी तो बनाना है ना? सरकार जी आपको मिस करेंगे बहुत। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे, आप सबको बहुत मिस करेंगे। आप सब बहुत अच्छा काम करते हैं, डिपार्टमेंट को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। अच्छा तो मैडम देखिए, हमको इसे पता है कि आपको सवाल करने वाला लोग ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक ना इसे सवाल करने का मन कर रहा है, हम पूछ ले क्या? पूछो। मैडम वो जो आप डायलॉग बोलती हैं ना, तो वो डायलॉग आप भी बोलती हैं और करिश्मा मैडम भी बोलती हैं, तो मैडम हम ये पूछना चाह रहे थे कि वो डायलॉग ओरिजिनल में है किसका, मतलब आपका है कि करिश्मा मैडम का है? तुमको क्या लगता है? मैडम हमको तो लगता है कि जिस तरीके से एक पुत्र का पहचान अपने पिता से होता है, एक सेवक का पहचान अपना स्वामी से होता है, ठीक वैसे ही एक शिष्य का पहचान अपने गुरु से होता है, तो हमको तो लगता है कि बिल्कुल सही लगता है। ये जितना भी तुम हमारे अंदर तेवर देखते हो ना, ये सब इन्हीं से ही आया है। हाँ, अंश मात्र भी अगर इनकी तरह बन जाएंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा बात होगा, लेकिन आपकी स्टाइल और आपके हौकाल को हम कॉपी करने का पूरा कोशिश करते हैं। यही है ओरिजिनल, सही मायने में हमारी सच्ची दोस्त, हमारी प्रेरणा, हमारी मार्गदर्शक, हमारी गुरु, हमारी बबीता सरकार। हमें बहुत गर्व है आप पर। थैंक यू सरकार जी, थैंक यू। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मुझे दीजिए। अम्मा कैसे नहीं मिल रहा है? अरे वहीं रखे हैं लाइटर, गैस के आसपास देखो ना अच्छे से, गैस के नीचे देखो चला गया होगा। हाँ जय हिंद मैडम। जय हिंद। देखो मलाइका की बच्ची, तुमको हम बता रहे हैं तुम बहुत चीजें भूलने लगी हो। डांट कहाँ रहे हम, डांट रहे हैं क्या? डांट नहीं रहे मलाइका, प्यार से बोल रहे हैं कि हम भी इंसान है ना, हमसे भी गलती हो जाता है कभी कभी, देखो ना इधर उधर आसपास रखा होगा। कहाँ मिला है? अम्मा कहाँ बकैती कर रही हो तुम, सुबह सुबह रुमाल हमारे जेब में है, तुम कह रही हो कि रुमाल मिला है तुमको। हाँ हाँ वही वही हम कह रहे हैं कि इंसान है ना तो गलती हो जाती है, तुम एक काम करो मंदिर वाला माचिस है उससे गैस जला लो और आते हैं फिर हम। हाँ मैडम पुष्पा जी के बिना बहुत दिक्कत हो रही होगी। बवाल मचा हुआ है घर में, बवाल मतलब दूध वाले के लिए उठो, इतना बड़ा टोपा आदमी है कि 20 सेकंड से ज्यादा बाहर नहीं रुकता है बेल बजाने के बाद। फिर पुष्पा जी का लल्ला, उनके लिए चाय बनता है, उनका टिफिन बनता है, फिर हमारा टिफिन बनता है, फिर दोपहर का खाना, फिर शाम का खाना, पता नहीं कैसे संभालती है पुष्पा जी। मान गए आपको सच्ची, इनको मान गए हैं। आया इनका रिपोर्ट बताओ हमको, कुछ आया क्या? अभी तक तो पॉजिटिव ही है, बट आई होप 15 दिन में नेगेटिव आ जाएंगे। नेगेटिव ही आए तो बहुत अच्छा बात है। क्या ये? हाँ भाई बिल्ला चंपत, बहुत माल गिना जा रहे हैं देख रहे हैं हम, एकदम तुम्हारा तो पूरा रूप ही बदल गया है, सूट वूट पहन के एकदम मरकरी लाइट की तरह चमक रहे हो, क्या बात है भैया, क्या चल रहा है? एक मिनट कंफ्यूज हो रहा है, एक मिनट। मैडम क्या बोले हम, सुबह से 4 बार पूछ चुके, कुछ बोलिए नहीं रहा है। मैडम हम ना सुने थे एक बार कि इसे कुछ बेवकूफ आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है ना अचानक से, तो घमंड से पगला जाता है। पता है चीते मैंने क्या सुना है? क्या संतोष जी? कि गंजे बेवकूफों को तो ज्यादा घमंड आता है। बहुत सही सुनी है संतोष जी, बहुत ज्यादा सही सुन ली है आप। नहीं माल आया कहाँ से, ये पैसा आया कहाँ से? बिल्लू भैया पुराना धंधा स्टार्ट कर दियो दोबारा से। बस क्या मैडम, अब हमने तय किया है, अब हमें सेटल होना है,
ठीक ठाक कोई अच्छा खासा धंधा करना है, चार पैसे कमाने हैं और फिर सुंदर सुशील लड़की देखकर कन्यादान करना है। जलस, शादी करेंगे, घर बसाएंगे, सेटल हो जाऊंगा, समझे? बिल्लू बहुत अच्छा बात है, हमें तुम्हारा ये सोच बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब हमको ये बताओ कि तुम इसके लिए कर क्या रहे हो? इन्वेस्ट। वो अपना इकबाल है ना, वो उस्मान का बिरयानी का ठिया चलाने को लिया है, तो बस उसमें हमने इन्वेस्ट किया है, बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट की है, 20,000। तो बस अपना धंधा ठीक ठाक चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। बिल्लू जी, मेरे पास भी बहुत बड़ी रकम है, इन्वेस्ट कर सकती हूँ? वाओ, क्यों नहीं, तुम इन्वेस्ट कर सकती हो, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ही मुनाफा पाओगे। बताओ तुम्हारे पास कितनी रकम है? 575 रुपीस। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ? नहीं, आज का सेल पता है क्या है? 20,000, कल 30, फिर 50, 100, 1,000, लाखों, फिर पूरी दुनिया में हमारा बिरयानी का ठिया होगा, करोड़ों कमाएंगे, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ होगा मेरे पास, और ये मेरा बिल्लू निवास, इसमें मैं बैठकर ऐश करूंगा। बहुत हुआ अभी बकैती, अब ये बताओ कि ये पैसे तुमने किससे लिए, कहाँ से लिए, जल्दी बताओ। नवाब साहब से उधार ली है, 5% इंटरेस्ट पे। नवाब साहब से उधार लियो? बेटा अब तुम्हारा जिंदगी सेट हो गया, क्योंकि ना सब जानते हैं कि नवाब का कर्जा ना किसी को नहीं फलाया, जो भी उसे कर्जा लेता है ना एकदम खत्म, फुल एंड फाइनल, तबाह बर्बाद हो जाता है। उल्टी गिनती शुरू कर दो तुम। जलस जलस। लो बिल्लू 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 बिल्लू, गजब हो गया, गजब हो गया बिल्लू। आराम से आराम से। अरे बिल्लू, बाहर कुछ लोग इकबाल को पीटने के लिए ढूंढ रहे हैं। क्या? अरे क्या बोला बिल्ला? हमारी गलती है। हाँ आपकी गलती है, देखो आप भी तो प्रशासन का एक हिस्सा हो, तो आपकी गलती हुई कि नहीं? और ये प्याज सस्ते करो, वरना वरना क्या? वरना क्या? धरना। धरना होगा, आंदोलन होगा, इस प्रशासन के विरुद्ध मोर्चा होगा। कौन करेगा? मैं बिल्लू द कॉमन मैन करूंगा, मैं करूंगा प्याज सस्ता, इंसाफ दिलाऊंगा हर एक आम आदमी को, और उसके बाद इनके पैसे भी लौटाऊंगा। बटरे रुको, मैं बिल्लू द कॉमन मैन आपके लिए प्याज सस्ता करके रहूंगा। क्या हुआ, पगला गए हो क्या? मैडम मैडम, सब्जी वो आपके लल्ला का डब्बा। यार मकान मुसीबत चल रहा है। हेलो, हाँ मलिका सुनो, पास में जो मार्केट है ना, वहां से तुम्हें जो सब्जी वब्जी लाना है वो तुम सब लेकर आओ वहां से। क्या? हाँ हमने कहा था हम लेकर आएंगे, लेकिन हम फंस गए हैं ना यहाँ पे। अरे ड्यूटी पर है ना हम भी, हमें काम होता है, हम फंस गए हैं। हम कहाँ भड़के हम ये कह रहे हैं कि आज तुम सब्जी ले जाओ के कल हम सब्जी ले आएंगे। ऊपर वाले करिश्मा देख रही है संतू जी, मतलब वो करिश्मा मैडम जिसके भौकाल से पूरा पाताल कांपता है, वो भी करिश्मा मैडम अपने घर के मेड से कांपती हैं, वो देखिए। इतना अच्छी हो तुम, लव यू। हाँ चलो। हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम कम करो। हमारी मांगे पूरी करो, प्याज के दाम कम करो। ये तो वही TV13 की रिपोर्टर लवीना खानम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बिल्लू चंपा जिंदाबाद।
नमस्ते आदाब, हम हैं लवीना खानम और इस वक्त हम सामने खड़े हैं बिल्कुल महिला पुलिस थाना के और हमारे साथ है जनाब बिल्लू चंपत जी। तो आइए हम रूबरू होते हैं बिल्लू चंपत जी से। बड़े अरसे के बाद हमारी मुलाकात किसी सरफरोश मर्द से हुई। सरफरोश साहब, इनको मैं आमिर खान दिखता हूँ? ये पागल, सरफरोश का मतलब क्रांतिकारी होता है कुछ भी। जी हमारा मतलब क्रांतिकारी ही था। हम तो बस ऐसे ही हैं। नहीं नहीं बिलू जी, आप बस ऐसे ही नहीं हैं, आप जनता की आवाज उठाने वाले हैं, गरीबों की मदद करने वाले हैं और गलत के खिलाफ सीना तान कर खड़े रहने वाले सरफरोश हैं। तो हजरत, प्याज की कीमत बढ़ने से गरीब खाने से सब्जी चली गई, खाने से जायका चला गया, एक गरीब से दाल में तड़का लगाने का हक छीन लिया है, अब ये हक दिलाएगा बिल्लू चंपत द कॉमन मैन। बिल्लू, न जाने तुम में ऐसी क्या बात है कि लोग तुम में इतना शगफ ले रहे हैं। लवीना जी, ये शगफ क्या है? अरे अब पगला, गाली गाली दे रहे तुमको। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या कह रहे हैं, हम अपने बिल्लू जी को गाली क्यों देंगे? हम तो ये कहना चाह रहे हैं बिल्लू जी कि लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों को यकीन होने लगा है कि आप, सिर्फ आप उनके अधिकारों को उन्हें दिला सकते हैं। बिल्लू जी, आप में कुछ ऐसा है जो हर किसी में नहीं होता। आज ये लोग तुम में अपना भावी लीडर देख रहे हैं। बिल्लू जी, हम और हमारा चैनल आपके साथ है बिल्लू जी। लवीना जी, मुझे आपको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको जन्म जन्म से जानता हूँ? क्या क्या नेता बनेगा ये? Shut up, idiot. Shut up, idiot. खूबसूरत लोगों के मुंह से डांट भी कितनी खूबसूरत लगती है। क्या रे? यार बिल्ले यार, हम तो तुमको सुरसुरी समझते थे, लेकिन तुम तो अनार बम निकले यार, मतलब क्या फड़फड़ा के फटे हो। यार बिल्ले सुनो यार, ऐसे तुम तो हमारे दोस्त हो ना यार, सुनो ना, एक ना हमको भी ऐसा कोनो टिप्स उप्स दो ना जिससे हमारे जिंदगी में भी आनंद और संतोष आ जाए। पहले प्याज के दाम कम करो, फिर हमसे बात करो। जी नेताजी, चलिए। बिल्ले, अरे यार संतोष जी, इसका भी गलती नहीं है, क्या है कि बिल्ली के भाग से दूध का छींका फूट जाए ना तो बिल्ली बौरा ही जाती है, म्याऊं म्याऊं करते हुए घूमती है। संतोष जी, आप चले। जी ब्रिजेश सर, कहे। इस मौके को हाथ से जाने मत देना लवीना, इस बिल्लू चंपत के मुद्दे को इतना हाइप करो ताकि वो सारे गरीबों का मसीहा बन जाए और अगली बार वो प्याज के मुद्दे पर अपनी जान दे ना तो सारे शहर में दंगे होने चाहिए। इतना हंगामा हो कि पार्टी के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई चारा नहीं बचे। हम आपसे वायदा करते हैं सर कि ये बिल्लू चंपत एक बड़ा लीडर बनकर ही शहीद होगा। धन्यवाद। मैडम, ये बिल्लू का बवाल ना बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया पर भी हर एक सेकंड लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ट्रेंड भी कर रहा है सब कुछ। कितना बड़ा टोपा आदमी है देखो ये बिल्ला, बिना सोचे समझे धरने पर बैठ गया, काल जरूरत था धरने पे बैठने का, अब सब इसका इस्तेमाल करके अपना अपना मतलब का रोटी सेकेंगे देख लेना। रोटी नहीं मैडम, बाहर बिरयानी और प्याज को लेके प्रॉब्लम चल रही है।
ये मासूमियत। सॉरी मैडम। इस धरने का इस्तेमाल करके सब अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे। इसको तो मोहरा बनाकर छोड़ देंगे स्वार्थी और मतलबी लोग। सब इसके कंधे पे बंदूक रखकर चलाएंगे, देखना चूरन कहीं कहीं। कौन है? जय हिंद सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, देख रही हैं? आपके थाने के बाहर क्या हो रहा है? आपका वो लाडला कैदी बिल्लू चंपत, समझाइए ना उसको, सबके साथ धरने पे बैठ गया है। ऐसे ही रहा तो लॉ एंड ऑर्डर संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साफ जाहिर हो रहा है कि S.H.O हसीना मलिक के बिना आप ये थाना, अपनी जिम्मेदारी, ये पोस्ट संभाल नहीं पा रही हैं। हाँ सर, वो एक काम मुसीबत है। अगर इस मलाइका का फोन नहीं उठाया तो ये नौकरी छोड़ के भाग जाएगी। अम्मा के लल्ला का टिफिन अटक जाएगा। का बवाल है यार। अब सर होल्ड ऑन, एक मिनट, बस बहुत जरूरी कॉल आया। एक मिनट सर। हाँ मलाइका, जल्दी बोलो, जल्दी, एक कॉल है हमारा। ये पूछने के लिए फोन क्यों कि कौन सी सब्जी कितनी लेनी है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, आप काम करो, तुम एक किलो टमाटर ले लेना, आधा किलो आलू ले लेना, भिंडी जरूर लेना एक किलो, और दो किलो प्याज ले लेना, और साथ में धनिया तो वो फ्री में दे देगा। ठीक है ना, सब हो गया ना? चलो रखते हैं, अभी रखते हैं। सॉरी 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 सर। अरे हमसे जरूरी किसका कॉल था बताइए भला? सर वो मलाइका का कॉल आ गया था। हम सब जानते मतलब ये मलाइका आजकल लखनऊ में है क्या? नहीं 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 नहीं, वो मलाइका नहीं सर, हमारी मेड मलाइका। वो अगर हम उसका फोन नहीं उठाते ना तो नौकरी छोड़ के चली जाती, और फिर अम्मा के लल्ला का टिफिन रह जाता, ये चक्कर है। मतलब आपने एक मेड के लिए अपने सीनियर को होल्ड पे रखा? सर वो सर एक 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 मिनट सर, बस एक मिनट। हाँ मलाइका जल्दी बोलो। 720 रुपया मांग रहा है वो सब्जी के लिए? का सब्जी ले रहे, सोना लेने उतरे हैं हम क्या? एक किलो प्याज 100 रुपया, अम्मा। हाँ सर सॉरी सॉरी सर, वो सॉरी, आप क्या कह रहे थे? खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि प्याज के मुद्दे के आड़ में कुछ असामाजिक तत्व शहर में दंगा फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर ये धरना रोका नहीं गया तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है। वो तुम्हारा लाडला कैदी बिल्लू चंपत है ना, समझाइए उसको कि प्याज के दाम सिस्टम के हाथ में नहीं है। और सुनिए सबसे जरूरी बात, आपको 24 घंटा दे रहे हैं, 24 घंटे में धरना खत्म कीजिए, वरना ऊपर से ऑर्डर है, हम एक SI भेज रहे हैं, आप दोनों मिलके इस केस को निपटारा कीजिए। 24 घंटा बहुत समय है सर, हम कर लेंगे केस सॉल्व, कोई और ऑफिसर के आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है सर जी, जय हिंद। जय हिंद। गई नौकरी मलाइका, गई। तो अब मैडम जीते 24 घंटे का समय मिला है। तो मतलब नौकरी छोड़कर गई नहीं, 24 घंटे का टाइम दिया है मलाइका ने, DSP सर ने 24 घंटे का टाइम दिया है हमें केस सॉल्व करने के लिए। अगर हमने नहीं किया तो नया ऑफिसर आएंगे, फिर आप उनके साथ केस सॉल्व करना। संतु समझ आया? तो क्या करेगी मलाइका? आप क्या करेंगे? हेलो, हाँ सुनिए ना, आपका वो फेवरेट कबाब आप खाते हैं ना, वहाँ से आज वहाँ से खाना मंगवा लीजिए ना अपने लिए। ठीक है? हाँ कहूँ हूँ, और क्या हमारा टेबल पे आज कचरा था का सारा। हाँ कहा जयन मैडम। जयन मैडम आइए आइए, लवीना जी आइए, ये रहा आपका होने वाला ससुराल, मतलब ये मेरा बिल्लू निवास है, यहाँ मैं आराम फरमाता हूँ। ए भाई किधर गया? बबलू जी जाइए, अच्छे से शूट कीजिए, और हाँ जूम भी कीजिए। हम अपने नाजीनों को ये वाकिफ कराना चाहते हैं कि यही है वो जगह जहाँ बिल्लू चंपत जी, उनके दिल में सरफरोशी की तमन्ना जागी थी। क्या चल रहा है? पब्लिक पार्क है थाना या धर्मशाला है कि कोई भी कैसे भी उठकर आ जाएगा? परमिशन नाम का चीज होता है कि नहीं होता है? करिश्मा मैडम ये हमारे साथ आए हैं। और तुम कंधों पे जाओगे वापस अगर बिना परमिशन के किसी को भी यहाँ पे लेकर आए तो? मुआफ कीजिएगा मोहतरमा SHO करिश्मा सिंह जी, हम मीडिया वाले, हम अपनी स्टोरी कवर करने के लिए आए हैं, और कानूनन आप हमें ऐसा करने से नहीं रोक सकती हैं।
लविना जी, इनसे नहीं पंगा लेते हैं। हाँ तो हम क्या कह रहे थे, पुलिस और मीडिया नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन हाँ एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। इसलिए जरा संभल कर मोहतरमा, दोस्ती बनाकर रखिए, फायदा होगा। वही तो नहीं आता है हमें, दोस्त से कितना फायदा दुश्मन से कितना नुकसान इसका हिसाब नहीं रखे हैं आज तक। जिस पे दिल आ गया वो हमारा और दिल से करते हैं उसके लिए। तो आप भी सुन लीजिए मोहतरमा, हमारा नाम लवीना खानम है और हम भी रिश्ते निभाने में कोई कंजूसी नहीं करते। हम बिल्लू चंपत को इतना बड़ा बना देंगे कि आप खुद बिल्लू चंपत के लिए और हमारी ही जैसी मीडिया वालों के लिए ये थाने का दरवाजा खोलकर अंदर बुलाएंगे। अच्छा बिल्लू जी। चलिए। बिल्ला रुको, तुमसे कुछ बात करना है। बिल्लू जी अब आवाम की आवाज बन चुके हैं, ये आवाम के हैं। अगर आपको इनसे बात करनी है तो आपको आवाम के सामने आकर बात करनी होगी। चलिए बिल्लू जी। बिल्ला। हाँ लविना जी एक सेकंड रुक जाते हैं ना। बिल्लू जी शट अप। हमें प्याज चाहिए, सबके सामने। वक्त आ गया है अविनाशों का हवाला। चोर की तरह क्या पटा नेता है तू? वक्त आ गया है अपनी तिजोरियों को, कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर लड़ाई लड़ी जाए। इसीलिए जब तक प्याज नहीं वोट नहीं। जोर से। जब तक प्याज नहीं वोट नहीं। थोड़ा और जोर से, जोश के साथ जरा आवाज। प्याज नहीं तो वोट नहीं। 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 हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपक कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बिल्लू चंपक कैसा हो? बिल्लू चंपक। हम करिश्मा सिंह, SHO महिला पुलिस थाना अमीनाबाद, बिल्लू चंपत जी से सार्वजनिक प्रार्थना करना चाहते हैं कि ये जो आप धरना बिठाए हैं ये सब फालतू है, किसी काम का नहीं है। क्योंकि क्या है कि सिस्टम के हाथ में प्याज के दाम का कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तो आप जो ये आपका धरना है इसको अभी के अभी बंद कर दीजिए। क्या लगता है आप लोगों को, क्या सचमुच सिस्टम के हाथ में प्याज के दाम नहीं है? तो ये रही आवाम की आवाज, ये है असली चेहरा जो चाहता है इंसाफ। ये पकड़ो, ये उठाओ, मलाइका का फोन है, पकड़ो पकड़ो, उठाओ। बताइए बताइए हम का बताए मैडम। चुप करो तुम, एक काम नहीं तुमसे होता है, बोलो ना, बिजी है से बोलो। संतु तुम पकड़ो। मैं क्या बोलूं? हमारा तुम क्या दिमाग से बिल्कुल, अरे बोल दो ना मैडम बिजी है मीटिंग में, ऐसा बोल ऐसा। मैडम माइक ऑन है, माइक ऑन है। हां तो माइक में सब बोल दिया। तो देखा आप लोगों ने, ये है इनका असली चेहरा, ये है इनकी रियल पर्सनालिटी। सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाली ये ऑफिसर रियल लाइफ में एक जरूरतमंद इंसान से झूठ बोलती है। वो क्या देगी सच का साथ? आप ही बताइए, क्या आप लोग इन पर भरोसा कर पाएंगे? नहीं, एक मिनट, हमारा बात सुनिए आप। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप देख रहे हैं। वो
माओ टोप आदमी चूरन बना रहे हैं तुम्हारा, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? जिसके प्यार में जिसके मोहब्बत में उड़न खटोला बनके तुम घूम रहे हो ना, बता रहे हैं मरवाएगी तुमको एक दिन। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल रात बड़ी बेरहमी के साथ सच को दबाने की कोशिश की गई। ये मासूम से प्रदर्शनकारी जब सो रहे थे तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये लाठीचार्ज करवाया है SHO करिश्मा सिंह ने। वो तहे दिल से चाहती थी कि ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द रद्द हो जाए। ये है पुलिस का एक और असंवेदनशील चेहरा, सच को छुपाने की एक और नाकाम कोशिश। बने रहिए हमारे साथ, TV13 इस आवाम को जरूर इंसाफ दिलाएगा। जी सर, कहें। बहुत अच्छा काम किया तुमने लवीना। अपना आधा काम तो हो ही गया समझो। सारा शहर बिल्लू चंपत को हीरो समझने लगा है। बस अब बिल्लू चंपत को उसके अंजाम तक तुम्हें ले जाना है। बिल्लू चंपत मरेगा और उसके साथ ये सारा शहर जलेगा। वो भी हो गया समझिए सर, बिल्लू चंपत तो हमारी गुर्बत में है, हमारे इश्क में गिरफ्तार है, हमारे हाथों की कठपुतली है। जब आप कहेंगे धागा खींच देंगे।